हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन का टॉपिक, जो पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन श्वसन का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने ऑक्सीकरण की चार चरणों को देखना था ऑक्सीडेशन की, ठीक है, जिसमें पहला था ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। ये बहुत छोटी सी क्लास है ये, क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा है, ठीक है। पाइरुविक एसिड पढ़ेंगे, पाइरुविक अम्ल जो हमें मिला था ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, जो पाइरुविक अम्ल हमें अंतिम उत्पाद के रूप में मिला था, उसको ऑक्सीकरण, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है आज की क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्रेब्स साइकिल टीसीए चक्र जो होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन अभिगम जो होता है उसको हम आगे क्लास में देखेंगे। तो ये जो स्टेप्स वाइज है, हम स्टेप वाइज उसको टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। तो आज की क्लास तो छोटी ही है, ठीक है। तो पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस के पश्चात क्रेब्स चक्र के सुचारू संचालन या संपादन के लिए पाइरुविक अम्ल का एसिटिल कोए एंजाइम में बदलना अति आवश्यक हो जाता है। क्या होता है, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक अणु जो था ग्लूकोज का, वो क्या बनाता है, पाइरुविक एसिड के दो अणु बनाते हैं। अब जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया खत्म होती है तो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो स्टार्ट होती है। तो उसके संपादन के लिए क्या होता है, पाइरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में मिला था, पाइरुविक अम्ल जो होता है उसका क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम में बदल जाता है। उसको बदलना अति आवश्यक है। क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम में बदल जाता है, क्योंकि जो एसिटिल को एंजाइम है उसको उपयोग हम क्रेब्स साइकिल में करते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि जो हमें ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल मिला है उसको हम एसिटिल को एंजाइम में बदल दें, ठीक है। इसे एसिटिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, एसिटिलेशन कर रहे हैं। इस प्रक्रम में पाइरुविक अम्ल से CO2 के एक अणु का निष्कासन भी होता है। जब पाइरुविक अम्ल को हम एसिटिल को एंजाइम में बदलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है क्रेब्स साइकिल के लिए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिटिलेशन कह रहे हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, जब पाइरुविक अम्ल को हम एसिटिल को एंजाइम में बदलते हैं तो जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके एक अणु का निष्कासन होता है, मतलब वो रिलीज होते हैं। अतः इसे पाइरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब जब CO2 पाइरुविक अम्ल से निकलते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जो जो प्रोसेस होती है, जो जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको आपको याद रखना है कि इसे डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन को मुक्त होने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। जहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इस प्रक्रम में बनने वाला तो इस क्रम में बनने वाला एसिटिल को एंजाइम, ठीक है, जब पाइरुविक एसिड में एसिटिलेशन हुआ तो पाइरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम बना, तो ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच संयुग्मन सेतु की तरह कार्य करता है। क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हो जाती है तो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट होने के लिए क्रेब्स चक्र, जब टीसीए चक्र स्टार्ट होगा उसके लिए एसिटिल को एंजाइम ए की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के बीच जो एसिटिल को एंजाइम ए होता है वो संयुग्मन सेतु कनेक्टिंग की तरह काम करता है दोनों के बीच, ठीक है। पाइरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तन संभवतः माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल स्थल में होता है। अब यहाँ पे बता रहा है, चूंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस मैंने बताया, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। बट जब पाइरुविक एसिड उससे मिलता है, पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद में मिलता है, तो पाइरुविक अम्ल जो एसिटिल कोएंजाइम ए उसमें बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका का कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल स्थल में, उसका माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है उसके प्लेस में होता है पाइरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रियल में होता है।
यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, परंतु यह प्रक्रिया क्रैग चक्र का भाग नहीं होती। पाइरिक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम का बनना क्रैग साइकिल का भाग नहीं है, क्रैग चक्र का भाग नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रक्रिया तो है। आपको पूछा जाता है कि पाइरिक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम कैसे कहाँ बन रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, पर यह क्रैग चक्र का भाग है तो नहीं है। ठीक है, क्रैग चक्र का भाग नहीं है, बल्कि एसिटिल कोएंजाइम ए कैप चक्र में प्रवेश कर उसे क्रियाशील बनाता है। जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है पाइरुविक एसिड से, पाइरुविक अम्ल से, तब कैप चक्र जो की जो प्रक्रिया होती है वो चालू होती है। ठीक है, तब उसको वो क्रियाशील बनाता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि देखो CH3COCOOH, ठीक है, ये पाइरुविक एसिड हुआ, इससे क्या हो रहा है, CoASH इससे काम करेगा, NAD यहाँ पे काम करेगा, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसका जो एंजाइम्स होता है यूज होता है, फिर यहाँ पे CH3COSCOA मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम बना, NADH2 बना, CO2 बना, एसिटिल कोएंजाइम जिसे कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम का बनना क्योंकि क्रैब साइकिल के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। तो ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन था कि कैसे ग्लाइकोलिसिस के बाद ये क्रिया होती है, उसके बाद ही क्रैब साइकिल स्टार्ट होगा। तो जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है, उसी को मैंने इस लाइन पे इसको समझाया है। तो एसिटिल कोएंजाइम वसा उपापचय तथा प्रोटीन अपचय से भी उत्पन्न होकर क्रैब चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के विघटन के द्वारा बनने के बावजूद इसके अतिरिक्त भी जो एसिटिल कोएंजाइम जो है वो वसा का उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वसा और प्रोटीन का। ठीक है, वसा और प्रोटीन के उपापचय से भी ये उत्पन्न हो सकता है एसिटिल कोएंजाइम और कैप चक्र में प्रवेश कर सकता है, क्रैब साइकिल में प्रवेश कर सकता है। चूंकि ग्लाइकोलिसिस में दो अणु पाइरुविक अम्ल के बनते हैं, तथा पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से दो NADH2 यानी कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं। ठीक है, तो मतलब दो से कितने बनेंगे, 2 × 3 6 ATP बनेंगे। 6 ATP की प्राप्ति परोक्ष रूप से होगी, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से होगी। तो चूंकि इसमें बताया गया लाइन में ग्लाइकोलिसिस से तो 2 ATP पाइरुविक एसिड के बनते ही है, साथ में पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से क्या होता है, 2 NADH2 माने 6 ATP की प्राप्ति जो होती है परोक्ष रूप से होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया वो पूरा कंप्लीट हुआ, ग्लूकोज से दो अणु पाइरुविक एसिड के बने, उसके बाद क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के कोशिकांग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्रैब्स साइकिल क्रैब्स चक्र स्टार्ट होता है उसकी प्रक्रिया। तो उसके लिए एसिटिल कोएंजाइम अति आवश्यक है जो उसको क्रियाशील बनाता है उस चक्र को स्टार्ट होने के लिए। तो एसिटिल कोएंजाइम जो अंतिम उत्पाद हमें ग्लाइकोलिसिस का मिला है पाइरुविक एसिड, उसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की क्रिया जब होती है, जब वो एसिटिल कोएंजाइम बनाता है, तभी वो क्रैब्स साइकिल नेक्स्ट जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो श्वसन की रेस्पिरेशन की ये चरणें हैं। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों के बीच जो एसिटिल कोएंजाइम है वो संयुग्मन सेतु मतलब कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। तो ये पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन तक क्रिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे क्रैब्स साइकिल TCA चक्र देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्रैब्स साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।